वेलकम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा इंफॉर्मेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और ये कम्बिनेशन होती है टू टेक्नोलॉजी की, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी, और वेबसाइट इसकी एक एग्जांपल है। मॉडर्न स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो रेवोल्यूशन, मतलब हैज ब्रॉड अ रेवोल्यूशन इन आवर लाइफस्टाइल, और कंप्यूटर के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज है इसकी वजह से। और सम इम्पोर्टेंट यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो फॉलो लाइक एट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो यूज की जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड मशीन में, जो कि ऐसा मशीन को इतना काबिल बना देती है कि वो सोच सकती है, वो फैसला कर सकती है, डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, दीज आर यूज फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट और एक्सचेंज कर सकती है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह। ई कॉमर्स, ये प्रोसेस होता है परफॉर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। और एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स जिसको कहते हैं, ये ऐसा प्रोसेस होता है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन करता है ऑन दी थ्रू इंटरनेट थ्रू मोबाइल फोन, ठीक है। इन दोनों में आपको अंतर बिल्कुल समझ आ रहा होगा। ई कॉमर्स में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, और एम कॉमर्स में हम क्या करते हैं, इंटरनेट और ट्रांजेक्शन ऑन द इंटरनेट थ्रू मोबाइल फोन, ठीक हो गई बात। आगे हम चलते हैं मॉडर्न स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फर्दर यूटिलाइजेशन हम देखते हैं। ये होती है कंप्यूटर एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब होता है मूविंग पिक्चर्स और कार्टून्स। ये ऐसा प्रोसेसिंग होता है जिसमें हम क्रिएट करते हैं कार्टून और मूविंग पिक्चर टू अदर स्पेसिफिक अफेक्ट फॉर टेलीविजन शोज और कमर्शियल एरिया और मूवीज एंड कार्टून्स के लिए, ठीक है। और मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया, और ये रेफर करता है एप्लीकेशन इमेज टेक्स्ट ग्राफिक्स एनिमेशन ऑडियो एंड वीडियो इफेक्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, और प्रेजेंट कर रहे इन कंप्यूटर विद कंप्यूटर, ठीक है। और हाइपर मीडिया इज अ प्रोसेस क्रिएट लिंक टू मल्टीमीडिया फाइल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का दरअसल मतलब होता है कि प्रोसेस और ऑपरेशन, सिंगल टास्क परफॉर्म ऑन द मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेजर तीन कंपोनेंट है, मीडियम और कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये हमारे पास पहला है। इसमें क्या होता है, यूजर शेयर कर सकता है इंफॉर्मेशन और मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल फोन नेटवर्क लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑल अदर कम्युनिकेटिंग या सोशल मीडिया। आगे हमारे पास टूल्स की फर्दर टाइप्स, ठीक है। इसमें जो हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा दरअसल होता क्या है, डाटा जो होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जिसे हम इजीली अपना रिजल्ट नहीं निकाल सकते, मीनिंग लेस होता है, ह्यूज वॉल्यूम होता है और नॉट डिपेंड अपॉन इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा, ये एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है, इसे हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारे पास फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाला कौन है, ठीक है। और ये हमारे पास हुआ डाटा, किसी चीज का रिकॉर्ड, ठीक है। आगे हमारे पास आ गई है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा होता है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, ऐसा डाटा जिसको हमने प्रोसेस किया हो, जिससे हमने इनपुट से आउटपुट निकाले हो, इनपुट नहीं कह सकते हम उसको, कि डाटा से हमने, रिकॉर्ड से हमने आउटपुट या रिजल्ट किए हो हासिल, ठीक है। आगे है यूजफुल एंड प्रॉपर मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन का, इसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, और ये डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। अगर हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर नहीं सकते, और ये इसका वॉल्यूम होता है शॉर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेबल नजर आ रहा है, इससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हु इज ऑन द टॉप पोजिशन, ठीक है, विजय इज ऑन द टॉप पोजीशन, ठीक होगी बात। आगे हम पढ़ने लगे हैं डाटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग।
कंप्यूटिंग मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने कन्वर्ट करना होता है डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। और इसके लिए सम एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, कुछ ऑपरेशन किए जाते हैं जिसकी वजह से फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। डाटा कैप्चरिंग में हम क्या करते हैं कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं डाटा को, हमने डाटा रिकॉर्ड करना होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं डाटा कैप्चरिंग। और उसके बाद हमने करना होता है डाटा मैनिपुलेशन भी करना होता है, और ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए, ठीक है, कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए उसके बिना पर हमने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। वो डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो ये हैं, क्लासिफिकेशन करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है, सॉर्टिंग और फिर समराइजिंग करनी होती है। क्लासिफिकेशन में हमने क्या करना होता है, ग्रुप्स बना देने हैं कि ये इस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है, ये बी प्लस का है, ये ए प्लस का है, और ये बी और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ले लें। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेशन करनी होती है, कुछ मेथड लगाने होते हैं कि इसकी बना पर हमने वो की है क्लासिफिकेशन की है। फिर उसके बाद हमने सॉर्ट कर देना होता है अल्फाबेटिकली तौर पे या न्यूमेरिकली तौर पे, और भी अदर मेथड हो सकते हैं। फिर हमने समराइज करना है कि इस इतने ज़्यादा रिकॉर्ड में से हमने एक्चुअली में रिजल्ट क्या निकाला है। उसके बाद हमने मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट करना होता है कि जो हमारे पास गिवन रिजल्ट आता है उसको प्रॉपरली मैनेज करना होता है। वो हम सॉर्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं कि दोबारा हम उसको यूजेबल बना दें, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं कम ठीक हो गई बात। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आ रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये देखें, अब देखें हमारे पास हार्डवेयर नहीं होगा तो हम अपना किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं ना पॉसिबल। फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी मित्र को चिट्ठी लिखनी है तो फिर हमारे पास पेपर और कलम नहीं होगा तो हम किस तरह अपने वो मैसेज कन्वे कर सकेंगे, हम तो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते अगर हमारे पास पेपर और कागज़ ना हो। इसी तरह हम अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते अगर हमारे पास कंप्यूटर ही ना हो, कंप्यूटर में या बेशक कंप्यूटर हो उसमें सॉफ्टवेयर ही ना हो, ये कुछ भी नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे किसी इंसान की ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड नहीं है, ठीक है। और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत आगे डिटेल में जा रहा होता है और ये मेन रोल प्ले कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करें अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई है ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल होती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।